थैंक यू सो मच जी। अब तो बिल्कुल ही हम ऑफ कहीं और ही है। अब हम एक होटल में हैं, मैरियट, एंड श्रवण ने कुछ प्लान किया है मेरे लिए स्पेशल। मैंने सोचा बहुत लड़ाई की इसका, बहुत परेशान किया मैंने शो में, मैंने सोचा कुछ अच्छा करता हूँ इसके लिए, थोड़ा फील करवाता हूँ कि भाई ठीक है, लड़की है ना, शी शुड फील स्पेशल। हर इंसान को, सिंगल को, कमिटेड को, सबको याद रहता है, सिंगल को ज्यादा याद आता है मुझे लगता है। 14th of February, Valentine's Day, and that's why I am gonna give her a surprise. Yeah, he's planned a Valentine's date, kind of date. Yeah, we are in the initial stage. मैंने कुछ बहुत अच्छा प्लान किया इसके लिए, मतलब इसे कुछ भी नहीं पता, गैस मार क्या होगा तेरे को, गैस कर। बहुत दो तीन ऑप्शन दिए जो हो सकते हैं, तो कैंडल लाइट डिनर, ओके, व्हाट एल्स, और हाँ मतलब ऐसे वो नहीं होता फायर लैंटर्न, कैसे जैसे हमने ले में उड़ाया था ऐसे प्रोमो या में, वैसा कुछ टाइप का, या फिर पार्टी। पार्टी तो नहीं होगी, पार्टी नहीं होगी, बर्थडे नहीं दे रहा। चलो देखते हैं उन्होंने गेस कैसे किया। बहुत अच्छा लगा, पहली बार अभी तक मैं श्रवण से इम्प्रेस हुई हूँ। अदरवाइज़ तो वो सिर्फ डिसअपॉइंट ही करता है और इरिटेट करता है, तंग करता है, झूठ बोलता है, मजाक उड़ाता है, बहुत सेल्फिश है, पर आज की रात बहुत अच्छी थी, एंड थैंक यू श्रवण फॉर अरेंजिंग ऑल ऑफ दिस। ऑल माइन साथ में सरप्राइज दिया इतना तो कुछ क्वेश्चन हमने बात नहीं की थी, शूट में मिले थे, हमारा 2017 में हम दोनों मिले हैं, तो उसके बाद अभी हम मिले 2019 में अक्टूबर में मॉक टेस्ट के दिन, उस दिन की इसके पास मेमोरी है, मेरे पास उस दिन की नहीं है, मेरे पास बात की पहले मिली, और इसका उससे एक दिन पहले इसका एक शूट था, तो ये बहुत नींद में था, 4 बजे सोया था, साथ में और ये आया और ही केप्ट कॉलिंग मी वंदना
he was like, अरे वंदना and I was like, कनिका हेलो कनिका. तो मैं काफ़ी मतलब शुरुआत से ही मैं काफ़ी इरिटेटेड थी. उसके बाद ये काफ़ी नींद में था तो मॉक शूट में मतलब प्रॉपर शूट की तरह हो रहा था तो उसके क्लोजेज हो चुके थे, मेरे क्लोज अप्स बाकी थे तो उसको मुझे क्यू देना था और उसका शोल्डर था मतलब उसकी बैक थी टुवर्ड्स कैमरा और बहुत इमोशनल सीन था एंड ऐसे आंखों में आंसू थे ऐसा था और उसने अपनी लाइन ली, कुछ इमोशनल बोला था, वो लाइन ले रहे हाँ तो मैं भी सबसे ऐसे और वो तो कैमरा में देख नहीं रहा और मुझे उसको देख के वो फीलिंग लानी थी और मैं ऐसे देख रही हूँ कि लड़का मतलब कितना बेरहम है मतलब. तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी और उसके बाद हम दोनों ही शो के लिए फाइनल हो गए. हाँ क्या बोला था ऑब्वियसली जो दोनों का होता है जब कैब से उतरते हैं मैं पे कर देता हूँ. नहीं नहीं आप क्यों पे कर रहे हो, मैं पे कर देता हूँ. तो ड्रेस्टिक चेंज आता मेरे अंदर, मतलब मैं कुछ और था. हम प्रोमो में जाने से पहले कुछ और थे एक दूसरे के साथ, जब हम प्रोमो से वापस आए तो हम दोनों कुछ और देखे. बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर हो गया था. हाँ कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गया था ये प्रोमो से पहले, बट ही बिकेम वेरी कोऑपरेटिव एंड स्वीट एंड फ्रेंडली इन लद्दाख. या उसके बाद हम दोनों के बीच में काफ़ी बॉन्डिंग शुरू हुई एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. उससे पहले तो मतलब रियल में लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच में, मतलब नोकझोंक थी हम दोनों के बीच में रियल लाइफ में. श्रवण को मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी फ्रॉड, झूठा बट काइंड, स्वीट, वेरी हेल्पफुल. नहीं वो तो कैरेक्टर दे रहा उसमें शो में, स्वीट है, हेल्पफुल है काफी. And the only person in the whole unit right now to whom I can share my everything. मतलब मैं इसको सब कुछ बता सकता हूँ. तो she's like a close friend to me right now. मेरे अंदर तू बदल ना, you start first. तूने तो बोल दिया मुझे अकड़ू खड़ू, पता नहीं क्या क्या अकड़ू. तो मैंने खुद को बोला था. क्या क्या बोलती है, देखा कितना कुछ किया इसके लिए, still आया मतलब fraud. If I could change anything, no, yeah, I would tell him to, he gets affected very easily by what other people say, so I tell him to not get affected. It doesn't matter what, but what if something is, like pay no attention to it. You and know what you're doing, just be friendly with them. It's no, it's just your life, so just like don't stress about it. So just avoid them and chill. Don't be offended by it. But I okay later. ओके क्या क्वेश्चन था मुझे बताना भूल गया. इफ आई हैव टू चेंज वन थिंग इन हर, लिसन पैकअप के बाद गाड़ी में बैठ के ईयरफोन लगाना बंद कर दो. आई जस्ट फील लाइक मैं अकेला हूँ गाड़ी में, लेफ्ट आउट. मैं सबको ऐसे देख रहा होता हूँ, मतलब पैकअप के बाद ना अपना थोड़ा अपनी स्पेस में जाना अच्छा लगता है. उसकी शक्ल ऐसे देख रहा था, मतलब ऐसे प्यार से कनिका मुझे बात करनी है तुझसे, एंड शी इज लाइक हां आई विल टॉक टू यू लेटर. ही इज एग्जैजरेटिंग अ लिटिल बिट बट ओके आई विल थिंक अबाउट दैट. हां यू विल थिंक अबाउट दैट पक्का. आई विल एक्चुअली थिंक अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट जेन्युइनली वांट टू से इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है. ट्रस्ट नहीं है तो यार फिर कुछ है नहीं, प्रॉब्लम ये है. ट्रस्ट के बिना चल रहा है तो फिर चले जा रहा है. मतलब इफ देयर इज ट्रस्ट बिटवीन टू पर्सन देन कुछ भी बीच में आए सब चलता है. बट अगर ट्रस्ट ही नहीं है ना तो चाहे कोई गलत हो चाहे कोई सही हो तो वो रिलेशन चलता नहीं. दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से, मतलब जेन्युइन वाला. एंड या एंड आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट दैट अलोंग विद ट्रस्ट रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वो इतना खो जाते हैं प्यार में दैट दे डोंट वैल्यू देयर ओन सेल्फ. सो आई फील लाइक इतना भी मत बह जाओ कि आप भूल जाओ कि आप खुद कौन हो. सो बी विद समवन हु यू कैन ट्रूली बी हु यू आर विद देम एंड दे कीप यू इन अ स्पेस दैट्स सेफ एंड इट फील्स
safe and happy. Really? Mera naam hai Kanika Kapoor. And mera naam hai Mohit Kumar. And I wish you a very, very happy Valentine's Day.